हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डक बिल प्लैटिपस बिलोंग्स टू डैश व्हाइल कैंगरू बिलोंग्स टू डैश। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द मैमल्स। ये जो मैमल्स होते हैं ये मेनली चाइल्ड बर्थ करते हैं। ये चाइल्ड ब्लड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ मैमल्स हमें ऐसे भी देखने को मिलता है जो लोग एक ले करते हैं, जैसे कि ये डक बिल प्लैटिपस। ये एक ऐसा मैमल है जो एक ले करते हैं और इसको माना जाता है ये रेप्टाइल्स और जो मैमल्स है उसका कनेक्टिंग लिंक है। अभी ये जो कैंगरू और प्लैटिपस के बारे में बोला गया है, हमें उसको बेस करके बोलना पड़ेगा ये कौन से क्लास पे है या फिर कौन से सब क्लास में है। ये जो डग बिल्ड प्लैटिपस है वो प्रोटोथेरिया के अंडर आ जाते हैं, प्रोटोथेरिया। और नेक्स्ट अगर हम कैंगरू के बारे में बात करेंगे तो ये कैंगरू आ जाता है मेटाथेरिया के अंडर। मेटाथेरिया मतलब जिसका बॉडी में एक पाउच फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर ही चाइल्ड का नॉरिशमेंट होता है। सो द फाइनल आंसर इज प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।